और अगली खबर दुर्ग से, जहां बीजेपी विधायक विद्या रतन भसीन की तबीयत बिगड़ गई है। रामकृष्ण केयर अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। और वैशाली नगर से आपको बता दें, विद्या रतन भसीन बीजेपी के विधायक हैं। दुर्ग से खबर, बीजेपी विधायक विद्या रतन भसीन की तबीयत बिगड़ी। रामकृष्ण केयर अस्पताल में अभी भर्ती हैं वे, और ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस की मदद से मेदांता अस्पताल ले जाया जा सकता है। रॉबिन जुड़ गए फोन लाइन पर, बात करेंगे। रॉबिन, जिस तरह से बीजेपी विधायक विद्या रतन भसीन की तबीयत बिगड़ गई है, और उनकी तबीयत से लेकर क्या जानकारी है, उनकी तबीयत को संबंधित लेकर क्या जानकारी बताएंगे आप? जी, मैं आपको बता दूं कि विद्या रतन भसीन जो है दुर्ग जिले के बीजेपी के एकमात्र विधायक है जिन्होंने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी, और कहीं ना कहीं उनकी जो तबीयत खराब है इस वजह से पूरे जो कार्यकर्ता है उनके घर के बाहर भी और रायपुर में जो अस्पताल है उसके बाहर भी पूरे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनकी तबीयत अभी जो ऐसी खराब है कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द रायपुर से उन्हें वेदांता में शिफ्ट किया जाएगा। रॉबिन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। आपको बता दें, बीजेपी विधायक विद्या रतन भसीन की तबीयत बिगड़ गई है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, वो किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं।